आज हम बनाएंगे मूंग दाल चीला, जो बहुत ही पौष्टिक रेसिपी है। इसके लिए हमें लेना है छिलके वाली मूंग दाल, जिसे मैंने पूरी रात भिगोने के लिए रखा था। इसे हम 4 से 5 घंटे भी भिगोने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि मूंग दाल बहुत जल्दी भीग जाती है। अब इसका पानी निकाल के मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। मूंग दाल पीस के रेडी हो गई है। इसका आप देख सकते हैं कितना पतला पेस्ट बना है। अब इसे हम एक पतीले में निकाल लेंगे। इस बैटर में डालने के लिए सामग्री हमने ली है 1 कांदा, 1 टमाटर जिसे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक और 1 कटी हुई हरी मिर्च। यदि आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया जीरा पाउडर, इसमें हम 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। बैटर में हमने सारी सामग्री डाल दी है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस पे फ्राई पैन रख के उसे गर्म करने के लिए रखेंगे। पैन गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तेल लगा लेंगे और 2 चम्मच बैटर को इसमें डालकर अच्छे से फैला लेंगे। और इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। एक तरफ से अच्छे से सीक गई है, अब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लेंगे। सेकते वक्त हमें गैस की आंच धीमी ही रखनी है। ये दोनों तरफ से सीक के अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा मूंग दाल चीला तैयार हो गया है। ये बहुत ही हेल्दी फूड है। इसे हम ब्रेकफास्ट और बच्चों के टिफिन के लिए तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसमें हमने घर की सामग्रियों का ही इस्तेमाल किया है। ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अथवा कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।